हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जो यहाँ पे यूज होंगे, उनको क्या क्या टर्म हम यहाँ पे समझने वाले हैं। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आप पहले से जानते हैं, बस हम उनको रिकॉल करेंगे, जैसे लाइन, लाइन सेगमेंट, रेज, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, लाइंस जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, ये सब के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी करेंगे। और देन हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम इस क्लास में यहाँ पे करेंगे। सो दिस इज ए पॉइंट एंड द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर दिया है, बहुत सारे पॉइंट को कलेक्ट कर लिया है और उनको ज्वाइन करते चले गए और दे ड्रॉ टू एंडलेसली, यानी कि दोनों तरफ इसे इंफिनिटी तक जा रहे हैं, एंडलेसली इंक्रीज हो बढ़ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड ए लाइन, ठीक है, इसको लाइन कहते हैं। अगर इस लाइन में दोनों एंड पॉइंट्स हो, यानी कि इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। और अगर एक पॉइंट हो और दूसरी तरफ ये लाइन जो है, यहां एक एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ ये एंडलेसली जा रही है, यानी कि इस कॉल्ड रे, और इसको हम नोटेट करते हैं इस तरह से एरो लगा करके, यानी लाइन जो दोनों तरफ एंडलेसली जा रही है उसको हम दोनों तरफ एरो से डिनोट करते हैं। लाइन सेगमेंट को ये दो एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ इस तरह से लिखते हैं, और एक रे है जो एक तरफ एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ एंडलेसली जा रही है, इसको रे। अब लाइन को लिखने के लिए अगर पॉइंट है यहाँ पे, तो हम लिखते हैं ए बी, ऐसे डिनोट करते हैं दोनों तरफ एरो ए बी के ऊपर। अगर लाइन सेगमेंट को हमको करना है, देन दिस इज दिस लाइक दिस ए बी, और उसके ऊपर एक डैश लगा रहेगा। और अगर हमें रे को डोनेट करना है ए बी, तो ये ऐसे नोटेड रहेगी, डोनोट रहेगी, इस एक तरफ इसमें एरो रहेगा। पर यहाँ इस चैप्टर के लिए हम लोग इस तरह से अलग अलग लाइन लाइन सेगमेंट ये बात नहीं करेंगे, हम हमेशा जो बात करेंगे वो ए बी को जैसे, या जो उसका नोटेशन है वही ऐसे ही बात करेंगे। लाइन है, रे है या सेगमेंट है, ये हम उस क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन हम हर जगह पे इसको ए बी से ही डिनोट करेंगे, इस तरह के ऊपर एरो या साइन उसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर कोई तीन पॉइंट है अगर और वो एक लाइन में आ जाते हैं और उससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और एक लाइन पर तीनों पॉइंट्स आते हैं, देन इट इज कॉल्ड कोलिनियर, यानी एक लाइन में पड़ने वाले पॉइंट्स, थ्री और मोर देन पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर ये एक लाइन में नहीं आते, जस्ट लाइक दिस, तो हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं लाइन में, लेकिन तीनों उस लाइन एक लाइन के ऊपर नहीं आएंगे। यहाँ ये दो पॉइंट जुड़ गए, ये पॉइंट यहाँ अकेला रह गया है, अलग रह गया है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, देन इट इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स को हमें समझना होगा, व्हाट इज एन एंगल। एंगल को समझने के दो तरीके हैं। पहला तो आप समझ लीजिए कि किसी एक पॉइंट से अगर दो रेज निकल रही है तो उनके बीच में बनता है एक एंगल। ये एक पॉइंट है, यहां से एक रे ये जा रही है और दूसरी रे ये जा रही है, तो इन दोनों के बीच में जो बना, एंड दैट इज कॉल्ड एंगल। क्या ऐसे समझ सकते हैं, या इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक रे है, इसको हमने रोटेट कर दिया है, ये एक रे है, इसको हमने रोटेट कर दिया ऐसे इस तरफ, तो क्या बन गया, इनके बीच में जो बना दैट इज कॉल्ड एंगल। इस तरह से भी हम उसे समझ सकते हैं, इनके बीच में बन गया एंगल, ठीक। अब ये जो रे है, इसके ये दोनों, इसको कहते हैं हम आर्म्स, ये एक आर्म है और ये भी एक आर्म है, दोनों जो रे दिख रही है उन दोनों को हम कहते हैं आर्म्स, और उन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है इसको कहते हैं वर्टेक्स, जहां से ये निकल रहे हैं या दोनों रे जहां मीट करती हैं हम उसको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। एंगल अलग अलग तरह के होते हैं, हम उसको समझ लेते हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं, मान लीजिए ये एंगल एक्स है, तो एंगल एक्स इज लेस देन 90 डिग्री, उसको कहते हैं हम एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। इसी तरह से जो 90 डिग्री के एंगल है उनको हम कहते हैं एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल,
राइट एंगल, और जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, जेड इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट जेड इज लेस देन 180 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, ये कहलाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल वो होता है अगर ये एंगल, अगर ये एंगल एस इट बिकम्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है और ये कहलाता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और फिर होता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल? वो एंगल्स होते हैं जो एंगल आर, एग्जांपल में दे रहे हैं एंगल आर, वो एंगल्स होते हैं जो ग्रेटर देन होते हैं 180 से लेकिन 360 डिग्री से कम होते हैं, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, ऐसे एंगल कहलाते हैं रिफ्लेक्स एंगल। नाउ व्हाट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम मिलकर के 90 डिग्री बनता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये राइट एंगल है और यहां पे दो एंगल हैं, ये एक एंगल हो गया एक्स और ये एंगल हो गया वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई क्या आ रहा है हमारा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहां 90 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह से अगर एक्स प्लस वाई का सम मिलकर 180 डिग्री बन जाए then angle x and angle y will be called as supplementary angle। ठीक है, तो यहां एंगल एक्स और एंगल वाई इन दोनों का सम क्या दिख रहा है 180 डिग्री एंड इट इज ए स्ट्रेट लाइन बन रहा है, then एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब एंगल एक्स और वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है इसको हम अच्छे से समझेंगे। एडजेसेंट का डिक्शनरी मीनिंग होता है अगल बगल वाले, या कहना चाहिए कि पड़ोस, पड़ोसी, तो पड़ोसी एंगल है ना। इसको समझते हैं हम, जैसे कि कोई एंगल है, ये एक एंगल है ए बी सी डी, ओके, तो यहां पे दो एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों अगल बगल में हैं, ये दोनों एक दूसरे में पड़ोसी हैं, पड़ोसी एंगल कहला रहे हैं इसको, इसी को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, यहां एक कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, ये इनकी कॉमन आर्म क्या है, बीडी इज द कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है, और दो नॉन कॉमन आर्म, जो इनकी जो नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए वो कॉमन आर्म से अलग अलग साइड में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसकी एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इनकी कॉमन आर्म है बी डी, वर्टेक्स कॉमन है बी, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, कॉमन आर्म से अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, यहां ए बी इस बी डी के इस तरफ है और ये नॉन कॉमन आर्म बी सी ये बी डी के इस तरफ है, इसीलिए ये कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। अगर मैं बात करूं एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी, मतलब एंगल डी बी सी और एंगल ए बी सी,
अगर मैं इस पूरे एंगल की और इसकी बात करूं तो क्या ये एडजेसेंट है? देखिए इन दोनों एंगल में भी कॉमन वर्टेक्स है बी, एक कॉमन आर्म है बी सी। इन दोनों एंगल की बात करें तो कॉमन आर्म क्या हो गई हमारी, बी सी कॉमन आर्म है, वर्टेक्स कॉमन बी है, वर्टेक्स बी है, लेकिन ये एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे क्योंकि जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक ही तरफ है। इस केस में एंगल ए बी सी में नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, आर्म ए बी, और इस केस में कॉमन आर्म कौन सी है, बी नॉन कॉमन आर्म दैट इज बी डी। ये दोनों इस कॉमन आर्म के एक ही तरफ हैं, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल एबीसी और डीबीसी एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे एबीडी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अब एक और चीज पे बात करते हैं, दैट इज इसमें क्या इस एंगल को देख के हमें क्या लगता है कि एंगल एबीडी और एंगल डीबीसी अगर इन दोनों का हम सम करें तो क्या बनेगा, दैट इज एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, ए बी डी प्लस यानी कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम करें तो क्या बनेगा, ये दैट विल बी एंगल ए बी सी, एक पूरे का सम बन जाएगा, ये एंगल और ये एंगल को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा सम, दैट इज टोटल एंगल बन जाएगा, दैट इज एंगल ए बी सी। ठीक है, इसी तरह अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं और उन दोनों का सम मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बना देता है, दैट इज ए बी ओ एंड सी, अगर इस तरह का कुछ है तो ये और ये एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, और नॉन कॉमन जो आर्म है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, लेकिन इन दोनों एंगल का सम, लेट इट बी एक्स लेट इट बी वाई, तो एंगल एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो ये कहलाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या कहलाता है ये, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहां अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये आगे कई क्वेश्चंस में काम आने वाला है। एक बार और बता देता हूं, अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल हैं और उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना, 180 डिग्री है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों एंगल्स एंगल एक्स और एंगल वाई ये क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स कहलाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, ऐसी लाइन जो आपस में एक दूसरे को कट करती हैं और एक कॉमन पॉइंट्स के थ्रू जाती है या फिर एक कॉमन पॉइंट्स के थ्रू जा रही है। ठीक है, जैसे कि एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी। ओके, तो ये दोनों कहां एक कॉमन पॉइंट पे कट कर रही हैं, दैट इज ओ, किसी कहते हैं लेट इट बी ओ, एक दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दूसरी तरफ जो लाइन है वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो कहीं कट नहीं करेंगी, ये दोनों कहीं पे भी कट नहीं कर रही हैं, तो ये कहलाएंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ये कभी कट नहीं करेंगे। ठीक है, इनके या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह पर सेम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये यहां भी 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, और हर जगह हम कहीं भी देखेंगे ये 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो दैट इट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अब यहां पे अगर हम बात करें, ये दो लाइंस है, ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है,
ये इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस केस में अगर हम इस लाइन सेगमेंट को देख रहे हैं तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है। अब क्या है कि अगर हम इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली है, इसलिए दे आर नॉट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होंगी, जो कहीं भी हम एंडलेसली बढ़ाएंगे और कहीं भी उनके बीच वो कहीं इंटरसेक्ट ना करें, कहीं भी उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही है, और पैरेलल लाइंस जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस हर जगह पे सेम रहेगा, वो कहलाता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब एक टॉपिक रह गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, ऐसे कोई इंटरसेक्टिंग, इस तरह से कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उन दोनों के अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे यहां पे एओसी, एंगल एओसी एंड एंगल बीओडी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं तो ये कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरह से और कोई एंगल दिख रहा है क्या अपोजिट में, कोई और एंगल जो वर्टिकल अपोजिट हो? यस ऑफ कोर्स, ये एंगल और ये एंगल, ये भी कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इस तरफ एक दूसरे के अपोजिट है। तो एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। ठीक है,